दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान की टीम को बुरी तरह से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। तो वहीं इसी ऐतिहासिक जीत के बाद राशिद खान और उनकी पूरी टीम ने ऐसा कुछ कह दिया है जिसने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया। बता दे, पहले तो सभी अफगानिस्तानी खिलाड़ियों ने भारत का झंडा लहराया और फिर जय श्री राम के नारे भी लगाए। बस इसी को देखकर पाकिस्तानी दिग्गज बुरी तरह से भड़क उठे और राशिद खान पर बहुत ही चौंकाने वाले बयान दिए। तो दोस्तों, दिखाएंगे क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन इससे पहले आप भी अफगानिस्तान की जीत से खुश है तो इस वीडियो से एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम ने इस वर्ल्ड कप में एक और हैरतअंगेज जीत दर्ज करके पाकिस्तान की टीम को हराकर उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम के बीच वर्ल्ड कप का 23वां मुकाबला खेला गया, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज अफगानिस्तान की स्पिन गेंदबाजी के आगे बिल्कुल बेबस नजर आए और पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 282 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई। उसके बाद 282 रन का पीछा करते हुए इब्राहिम जादरान और गुरबाज की अर्धशतकों की बदौलत अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में पहली बार हरा दिया। दोस्तों, आपको बता दें, ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए काफी अहम था, क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला जीत जाती तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस बने रहते। हालांकि इस जीत के बाद अफगानिस्तानी टीम का सेलिब्रेशन देखने लायक था। तो वहीं राशिद खान जब इरफान पठान से मिले तो दोनों साथ में नाचने लगे और फिर राशिद खान ने पहले तो भारत का झंडा लहराया और फिर जय श्री राम के नारे लगाते हुए सभी भारतीय फैंस का शुक्रिया अदा किया। बस इसी को देखकर पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया और पाकिस्तानी दिग्गजों ने राशिद खान पर बहुत ही चौंकाने वाले बयान दिए। बता दें, सबसे पहले पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान की हार से काफी दुखी हूं। इस मुकाबले में हमारे बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने खराब प्रदर्शन किया, लेकिन मैं राशिद खान के इस व्यवहार से भी काफी दुखी हुआ। राशिद खान को ऐसे भारत के झंडे को लहराना नहीं चाहिए था और ना ही जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए थे, इससे दुनिया भर में गलत प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं उसके बाद शोएब अख्तर ने राशिद खान पर चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि राशिद खान ने भारत का झंडा लहराकर गलत किया और ना ही राशिद खान को जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए थे। हम सबको मालूम है कि राशिद खान ने ये सब हमें चिढ़ाने के लिए किया है। और साथ ही शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान की हार से काफी दुखी हूं। हमारी टीम को ये मुकाबला